बैक टू माई चैनल विच सेज गेट क्वर्की विद मी। सो नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं तो मैंने सोचा आपको देवास की बहुत ही सिद्ध मंदिर है माता रानी का, वहाँ पे लेके चलूँ। वहाँ के मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और जब मैं वहाँ पे सबसे पहली बार गई थी मेरे रोका के टाइम पे, लिटरली मुझे बहुत अच्छी वाइब आई थी। आई लिटरली फेल्ट लाइक क्राइंग ओवर देयर, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है। और वो मंदिर कौन सा है मैं आपको वहाँ जाके ही बताऊँगी। सो चलिए मेरे साथ। तो अब हम कार में बैठ चुके हैं, वी आर ऑन आर वे। चूड़ी भी पहनी है आज भाभी ने, चूड़ी भी पहनी है। और हमारे साथ है भाई उमंग और पीछे रहे अनु भैया। ये कभी भी नहीं गए थे माता के दर्शन करने इधर, तो आज हम इनको लेके जा रहे हैं कि ये दर्शन कर ले। और पापा नहीं आ पाए क्योंकि आज पापा होल डे काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और कल वो सबसे पहले और अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, वी ऑल नो दैट। और अभी 10:30 बज रहे हैं, इस वजह से पापा ने थोड़ा सा अवॉइड किया, हमें आते आते 12 बज जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जा रहे हैं और फिर मैं बताऊँगी कि मैं किस मंदिर के बारे में बात कर रही थी। तो हम यहाँ जा रहे हैं, आप वो लाइटनिंग्स देख पा रहे होंगे। ये हम मंदिर पहुंच गए हैं। मम्मी ये कौन से मंदिर आए हैं? हम चामुंडा माता टेकड़ी की बहुत मान्यता है ना? बहुत ज्यादा। कौन कौन सी माता है यहाँ पे? चामुंडा माता, माँ तुलजा भवानी, दोनों सगी बहने हैं। और ये अब हम एंटर कर चुके हैं। ये कुछ श्रद्धालु हैं जो बाहर से आए हुए हैं और अभी ये सो रहे हैं, तो ये सुबह सुबह दर्शन करेंगे। ये महादेव जी का मंदिर है जो कि बंद हो चुका है। अच्छा खासा हमें ऊपर चढ़ना है और बहुत मज़ा आएगी। प्रसाद आप ले सकते हो यहाँ से, यहाँ से आप चाहो तो माता रानी की फ़ोटोज़ भी ले सकते हो। आपको वाटर कूलर्स भी मिलते रहेंगे यहाँ पे। अब मम्मी रेस्ट करेगी। अब मम्मी कुछ ऐसा सा भी रूल है ना, पहले बड़ी माता के दर्शन करेंगे फिर छोटी माता के। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पहले छोटी माता के दर्शन कर लें फिर बड़ी माता के। इट्स अ रूल, पहले बड़ी माता फिर छोटी माता। कितने ऊपर आ चुके हैं। से सारी दुकानें शुरू हो चुकी है। अभी जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं तो आज तो हमको यहाँ पे जमीन दिख रही है, एक का दुक्का लोग दिख रहे हैं। दो दिन बाद अगर यहाँ पे आना चाहेंगे और हम लोग आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ सर दिखेंगे, जमीन एकदम नहीं दिखेगी, लोग दिखेंगे। तो मेरा बहुत टाइम से मन था इधर आके दर्शन करने का, सो वी ऑल चोज दिस डे कि हम लोग इस दिन आए दर्शन कर ले आराम से, क्योंकि मेन दर्शन करना है और अच्छे से आप लोगों को भी दर्शन करा पाऊंगी मैं। तैयारियां शुरू। अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत ऊंचा चढ़ चुके हैं और अभी बहुत ऊंची चढ़ाई बाकी है। सो या दो वी आर पेंटिंग बट लिटरली इट विल बी वर्थ। करिए शिव जी के दर्शन। ओके, जब चढ़ के आप लोग वहाँ जाओगे, वहाँ पहुँचोगे तो फाइनली आपको ये चढ़ना बहुत वर्थ इट लगेगा। इतना पीस मिलता है वहाँ माता रानी को देख के। तो या हम इतने ऊँचे आ चुके हैं। यू कैन सी अभी हम इतने ऊँचे हैं। और बिलीव मी अभी हम हाफ भी नहीं कवर कर पाए हैं सीढ़ियाँ। क्या यहाँ पे आपको मस्त खाने पीने को मिल जाएगा, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए जगह है। और जैसे ही हम यहाँ पे यू टर्न लेंगे, यू टर्न पे आपको देखेंगे कुबेर जी। तो जब हमारा रोका था तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी।
उमंग के साथ। शादी के बाद भी तो आई थी? हाँ, शादी से पहले भी उमंग के साथ आ चुकी हूँ, शादी के बाद भी। मम्मी बेचारी मस्त टायर्ड हो चुकी हैं, वो आराम से बट बैठ बैठ के चल रहे हैं, वही अच्छा रहेगा। बीच बीच में आपको ये पंडाल भी दिखते रहेंगे ताकि आप यहाँ पे रेस्ट कर सको। नवरात्र के टाइम लोग बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो धूप के टाइम पे या दिन के टाइम पे भी दर्शन करने आते हैं, तो उनको बीच बीच में रेस्ट करने का भी इधर सारा प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। हाँ मम्मी, 9 दिन 24 घंटे खुला रहेगा मंदिर। ओके, नीचे से आप रोप वे भी ले सकते हो। और ये रही रोप वे की टाइमिंग, सुबह 7 से शाम 9:30 बजे तक। तो दीज आर इको फ्रेंडली डेकोरेशन यू आर वॉचिंग राइट नाउ, विच इज अ गुड आइडिया। साउथ में भी एक बहुत बड़ा चामुंडा माता का मंदिर है, तो ऐसा था कि चंडमुंड का वध करके माता ने वहाँ पे विश्राम किया था बेंगलोर के पास, सुमेरू हिल्स करके एक हिल है, वहाँ पे माता ने विश्राम किया था। वो जो हिल है वो अभी आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के अंदर है वो हिल, और वहाँ से जब माता चली थी, माता वहाँ से चल के देवास आई थी। दो माताएँ हैं, चामुंडा माता और तुलजा भवानी माता, ये दोनों सिस्टर्स हैं। तुलजा भवानी माता जो है वो बड़ी सिस्टर है, और चामुंडा माता है वो छोटी सिस्टर है। तो क्या हुआ था कि इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, तो जब इन दोनों के बीच यहाँ पे देवास आके जब झगड़ा हुआ था, तो दोनों इस हिल पे थे, इसको टेकरी बोलते हैं, देवास की टेकरी। तो अभी जो हम आपको मंदिर दिखाएंगे, जो माता की मूर्ति दिखाएंगे, उसके पीछे आपको प्रॉपर एक गुफा जैसी एक दरार सी दिखेगी पीछे। तो कहा ऐसा जाता है कि जब माताओं का झगड़ा हुआ, तो चामुंडा माता यहाँ से पहाड़ फाड़ के उस गुफा के थ्रू एग्जैक्ट अपोजिट जाके वहाँ पे बैठ गए थे। तो तुलजा माता यहाँ पे हैं, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, आपको सामने दिखाएंगे, और चामुंडा माता एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है वहाँ पे पीछे। तो अभी जब आगे जाके दिखाएंगे तब आपको वो दरार दिखेगी, जो माता की मूर्ति के पीछे जो आप अंधेरा दिख रहे हैं, वहीं पे दरार दिखती है। अभी धुएं के कारण क्लियर नहीं है, बट वहीं पे एकदम प्रॉपर दरार दिखती है गुफा की। ये लंबे बाल वाली औरत कौन है? बड़ी माता के दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं छोटी माता के दर्शन करने। यहाँ से छोटी माता का मंदिर 650 मीटर्स पे, मतलब एग्जैक्ट तुलजा भवानी माता के पीछे, तो पूरा हाफ सर्कल हिल का। छोटी माता के दर्शन के लिए जा रहे होंगे, तो बीच में पड़ेगा हनुमान जी का मंदिर। अब हम आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। मंदिर है, मंदिर के बाजू में छोटा सा कुंड है, वहाँ का पानी कहते कभी नहीं सूखता, चाहे कितने भी गर्मी पड़ जाए, कितनी ठंडी, उसमें ना खूब सारे कछुए भी होते हैं माँ कालिका के मंदिर में। अब ये डेकोरेशन देखो आप लोग, कितने प्यारा डेकोरेशन है ये। और फिर आपको यहाँ पे एक पानी का स्टॉपेज मिलेगा, जहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। ओ मैन, इतने ऊँचाई पर अब आ चुके हैं चढ़ते चढ़ते। हम लोग अब बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रस्ट मी। रानी के दर्शन के बाद इट्स फीलिंग लाइक री लाइट इन हार्ट। ये माँ अष्टभुजा देवी जी का मंदिर है, अन्नपूर्णा का मंदिर। तो बड़ी माता और छोटी माता के दर्शन के दौरान आप बहुत से देवी देवताओं के, भगवान के दर्शन करने को आपको मिलेंगे। अब बारी है खोखो माता की। ये बहुत क्यूट माता है, काली खांसी आए माता आपकी जरूर आपको ब्लेसिंग्स देंगी। अभी मम्मी ने डिसाइड किया है कि हम सब अभी यहाँ पे बैठेंगे और ठीक 12 बजे हम छोटी माता के दर्शन करेंगे। लेट हिम से, जो मम्मी बोल रही है वही होएगा। जोर से बोलो, सारे बोलो, सब मिल बोलो, आवाज ना आई।
सबका रेस्ट टाइम, हम सब रेस्ट करेंगे और अब दर्शन करने चलेंगे। यहाँ पे होते हैं हवन और वो है छोटी माता का मंदिर। ये है भैरव बाबा की गुफा। कहते हैं माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। और अब हम यहाँ से उतरेंगे। बहुत मजा आ रही है नवरात्र से। ठीक अब तो 12 बज गए। मस्त हमने दर्शन किए माता रानी के। ये कौन ही प्यालू प्यालू है? वो शिंदे बाबा है। हाँ तुम्हारे जैसा बाबा हमारे पास भी है। अब हमारा दर्शन अच्छे से हो चुका है और हम वापस जा रहे हैं। तो अब हम सब दर्शन कर चुके हैं और आके कार में बैठ गए हैं। अब हम घर जा रहे हैं। अब हम बहुत बुरा थक गए हैं। मम्मी के तो पैर भी शिविर कर रहे थे, मेरे खुद के कर रहे थे। मेरे पैरों की एक नस में भी पेन हो रहा है। कौन सी है वो मैं नहीं बताऊंगी, आप गेस करोगे। ये भाई हैं काफी एंबैरस्ड हो रहे मुझसे। नहीं और नर्स के बारे में नेक्स्ट व्लॉग में बताना। जय माता दी। जय माता। अब हम घर आ गए हैं।